नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के रामपुर रोड सर छठ पूजा स्थल पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छठ पूजा के जो शाम के टाइम जो सूर्य ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है वो किया जा रहा है। आपको बता दें जो छठ पूजा का जो त्यौहार होता है वो 4 दिवसीय होता है और आज जो है तीसरा दिन है, जहाँ पे जो आपने पीछे देख सकते हैं कि भारी मात्रा पे यहाँ पे महिलाएं और काफ़ी लोग आए हैं और जो ढलते सूरज को अर्घ देने के लिए, जिसके बाद जो कल है जो कल वो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद उनके जो व्रत है उसकी जो उनका व्रत पूरा होगा। तो चलिए बात करते हैं शिल्पा सोनकर। अच्छा, जैसे कि आज छठ पूजा का इतना बड़ा यहाँ पे जो किया जा रहा है काफ़ी अच्छा है, छठ पूजा के बारे में थोड़ा सा बताइए। छठ पूजा 4 दिन मनाई जाती है, नहाकर खाकर सुबह उठकर। आज शाम की पूजा है और यहाँ 4 बजे से पूजा चालू हो जाती है। सभी लोग बहुत भक्तिभाव से यहाँ पर पूजा मनाने आते हैं। काफ़ी टाइम से ये महोत्सव चल रहा है और यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर पूजा मनाने के लिए। हर बिरादरी के लोग, हर कास्ट के लोग इस पूजा को करते हैं। इस पूजा की बहुत अच्छी मान्यता है और यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग पूजा पाठ होती है। किन किन देवी देवताओं को पूजा जाता है छठ पूजा के लिए? ये छठी मैया की पूजा होती है, सूर्य देव को अर्घ देते हैं। छठी मैया के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। छठी मैया के बारे में, छठी मैया का व्रत रखा जाता है 3 दिन। 3 दिन व्रत रख करके उनका जो है लास्ट में कल अर्घ देना है। लास्ट अर्घ कल है छठी मैया। थैंक यू। मेरा नाम आरती साहू है। जैसे ये छठ पूजा का जो त्यौहार होता है, क्या आप भी व्रत रखती हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं और यहाँ पे हम पहली बार आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुशी हो रही है हम आने के लिए। आज से बहुत दिन से पहले यहाँ पे उत्सर्जित थे कि हम जाएंगे और छठ माँ की कृपा हुई, हम इसी कृपा से उनके इसमें स्थान पर आ गए हैं। अच्छा, छठ पूजा का क्या महत्व होता है? छठ पूजा का महत्व बच्चों के परिवार के लिए महत्व होता है, इनके लिए रखा जाता है, पति के लिए रखा जाता है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए रखता है और 36 घंटे व्रत अपना ये व्रत किया जाता है। नमस्कार, आपका नाम? हमारे नाम बबीता है। जैसे कि छठ पूजा का त्यौहार है, क्या आप व्रत रखती हैं? जी। तो किस तरह से विधि विधान रहता है छठ पूजा? ये शुरू में तब नहा के खाते हैं हम लोग, चने के दाल होगा, लौकी होगा, जैसे गोभी होगा, उसमें बरत के नमक होगा, ये सब उस दिन नहा के उसमें लहसुन प्याज बंद रहेगा, उस दिन के खाएगा, फिर दिन भर भूखा रहेंगे। फिर आप शाम के रसिया और रोटी बनता है, मतलब खीर रोटी बनता है। बनने के बाद में रात में इस समय 8-9 बजे हम लोग पारण करते हैं छठ पूजा का, पूजा उजा कर के तब हम लोग वे खीर और रोटी खाएंगे, फिर दिन भर भूखा रहेंगे। दिन भर भूखे रहेंगे ना, 4 बजे भोर में उठेंगे, 3 बजे थोड़ा छेना वना खा के पानी पीते हैं, बस हो गया। अब दिन भर हम लोग का व्रत है, अब इसके बाद दिन भर व्रत है, आज भी रात में व्रत होगा, फिर सुबह तक तिले अर्घ नहीं देंगे, तरह व्रत होगा। जैसे कि छठ पूजा पे पुरुष लोग भी व्रत रखते हैं अपनी के लिए? नहीं, अपनी अपनी पहले से आ रहा है, लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। तो आपने भी व्रत रखा है? जी, मैं आज 2001 से कर रहा हूँ। जी, तो किस तरह से आप विधि विधान से करते आ रहे हैं व्रत? इसका कोई विधान नहीं है, ना कोई मंदिर है, ना कोई इसके लिए कोई पूजा का कोई पद्धति है। जैसे हमारे पूर्वजों ने करते आए हैं, जैसे हमारे, इसको पंडित भी नहीं बताता है, जो आपका श्रद्धा है वो हम भास्कर को पूजा करते हैं। हम भगवान शंकर को भी पूजा नहीं करते, भगवान हम सीधे सूर्य को पूजा करते हैं। और डूबते हुए सूर्य को पूजा पहली बार आपने सुना होगा, इससे पहले ना कभी होता था ना होगा। एक ऐसा है ये कि डूबते हुए सूर्य को हम पहले अर्घ देते हैं, जो अंधकार की तरफ जा रहे हैं हम पहले अंधकार को पूछते हैं। अंधकार के बाद जब जिंदगी के उजाले की तरफ जाता है तो उजाले में तो सब लोग पूजा करते हैं, तो हमें भास्कर को, हम लोग डूबते हुए को भास्कर को हम पूजा करते हैं। और इसकी मान्यता है कि जो इसको पूजा करती हैं, चाहे औरत करें चाहे जेंट्स करें, जो भी मनोकामना होती है वो पूरा होता है। ये निराजल निर्जला उपवास है ना, इसमें अपनी थूक को भी आदमी बाहर थूकता है कि घोटे नहीं। उत्तराखंड में आप देहरादून चले जाओ, रुद्रपुर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मस्कट चले जाओ, कनाडा चले जाओ, जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं वहाँ के लोकल लोग भी अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में देखिए, हल्द्वानी में आने से 20 साल पहले अगर आप देखी होंगी तो 2-4 फैमिली करते थे, आज अनुमान तो नहीं है तो 2000 फैमिली व्रत कर रही है। 2000 फैमिली, तो कुछ तो मान्यता है, लोगों ने कुछ तो
अभी हमारे साथ में पहाड़ के फैमिली कर रही है पूजा, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, ये फैक्ट है। अभी हैं वो, चलिए हाँ है वो, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, हुए उन्होंने माता से रखा, जो पूजा का पद्धति है उन्होंने जितना आया किया, तो ये पुत्र प्राप्ति का ही है, ये जो है ये पुत्र प्राप्ति का, जो हम बोलते हैं ना सूर्य का, ये पुत्र प्राप्ति का ही है, छठी माता का जो व्रत है। आपने अगर क्या बोले, आपने इसको सीता जी ने भी किया है, माता द्रौपदी ने भी किया है, और सबसे बड़ी बात राजा पुरु रज के बाप जो भगवान का राम का जो वंशज थे, ये उनके टाइम से जो सूर्यवंशी थे, वो लोग सूर्यवंशी थे, फिर भी अपने ही वंश को उन्होंने पूजा किया, तो कुछ तो मान्यता होगी। तो आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो पूर्वांचल के लोगों द्वारा छठ पूजा इतने विधि विधान से इतने भव्य तरीके से की गई। आपको बता दें जो सूर्य को अर्घ देने का जो है वो कल सुबह तक होगा, जिसके बाद जो चार दिवसीय जो छठ पूजा का जो महापर्व है वो पूर्ण होगा। तो ये थी हमारी रिपोर्ट छठ पूजा के ऊपर। मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी समय नाथ शाह के साथ JJN News हल्द्वानी, धन्यवाद।